आपको इस चैनल पर डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लास्ट डेट के बारे में। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सबको पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट हो चुकी है, जो कि आपके साइट पे मेंशन था 17 अगस्त। तो फाइनली आपका जो है आज हो चुका है 17 अगस्त और आपके फॉर्म को फिलअप करने की आज लास्ट डेट है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, प्लीज आप सब फॉर्म फिलअप कर लीजिए क्योंकि आज लास्ट डेट हो चुकी है, उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। यहां तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देना चाहता हूं, जिन भी स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराए उन सबके बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको ध्यान से सुनिएगा कि आपको कौन कौन से चेक वगैरह लगाने हैं अपनी आईडी को लॉगिन करके। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिए। तो एक बार हम आ जाते हैं आपकी टेंटेटिव शेड्यूल पे, हमारा टेंटेटिव शेड्यूल है और यह हमारी ऑफिशियल जो साइड है इसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, यहां पर देख सकते हो टेंटेटिव शेड्यूल में आपका क्या क्या चीज मेंशन है। और हां, एक और चीज मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है दूसरी वेबसाइट पर विजिट करते हैं और कुछ अलग ही चीज बताते हैं। जैसे यहां पर आपका मेंशन है साइड पर कि 28 अगस्त को आपका एग्जाम होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल लेते हैं भैया कल एग्जाम है क्या? नहीं भाई, जो आपके ऑफिशियल साइट पर उसको ही देखना है। यहां पे देख सकते हो ये हमारा टेंटेटिव शेड्यूल है, इसके अंदर आपके सारे इंपॉर्टेंट डेट मेंशन है। तो यहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पे नीचे की तरफ आ जाइए, यहां पे देखिए इन्होंने बोला है कि जो आपका एडमिशन फॉर्म है वो आपका देख सकते हो, यहां पे आपका डिप्लोमा के लिए इन्होंने बोल रखा है ऊपर वाली लाइन में कि आपका कब खत्म हो जाएगा, 17 अगस्त को खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको बहुत सारे डाउट होंगे कि भैया क्या ये एक्सटेंड हो सकता है? तो जी बिल्कुल एक्सटेंड हो सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि टेंटेटिव शेड्यूल है ये, यानी कि टेंटेटिव का मतलब यही होता है कि आगे फर्दर चेंज हो सकता है। तो हो सकता है आज जो डेट है हमारी एंड डेट ये अभी एक्सटेंड भी हो जाए, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप इसके चक्कर में मत फंसिए। आपको क्या करना है, अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं कर रखा है तो आज आप अपना फॉर्म फिलअप कर लोगे और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको अपनी आईडी को साइन इन करके वो सारी चीजें चेक लगा लोगे। यहां पे आप देख सकते हो, उसके बाद यहां पे अगली चीज क्या मेंशन है, अगली चीज हमारी आएगी 18 अगस्त को। 18 अगस्त को आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट कर लेना है, यानी कि अगर आपने कुछ भी गलती कर रखा है तो उन सबको आप एडिट कर सकते हो। देखो आपसे बहुत सारे पूछ रहे थे भैया हम ईमेल आईडी ओबी या फिर हम अपना फोन नंबर चेंज कर सकते हैं, देखो इसका जवाब मैं नहीं जानता। जब भी आपका ये कल आ जाएगा तो कल आप एक बार चेक कर लेना हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत लीजिए। आपका जब काउंसलिंग फॉर्म भरा जाएगा तो वहां पे आपको दोबारा से फिलअप करने का ऑप्शन आता है, तो बिल्कुल आप सबको पैनिक नहीं होना है। मैं ये सारी डेट एक बार और रिपीट कर देता हूं ताकि आपको सारी चीजें मैं सही तरीके से बता पाऊं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी। और मैं फिर मैं बात करूंगा साइन इन करके आपको क्या क्या चीजें चेक करनी। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉक टेस्ट आपका कब है, मॉक एग्जाम होगा आपका 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में, यानी कि ये 3 दिनों तक आपका चलेगा, दो तीन दिनों तक, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 5th में क्या दे रखा है, आपका सीटी एग्जामिनेशन, ये जो मैंने आपको बता रखा है कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन ही होगा। तो जितने भी स्टूडेंट बोल रहे थे भैया ऑफलाइन होगा क्या, क्योंकि हमारे स्कूल वगैरह तो ऑफलाइन स्टार्ट हो गए, मैं आपको बताना चाहता हूं इन्होंने बोल रखा है ऑनलाइन, तो अभी ऑनलाइन ही होने वाला है आपका टेस्ट वगैरह। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखी है तो ऑनलाइन में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कंप्यूटर बेस्ड किस तरीके से लिया जाएगा और कौन कौन सी चीजों को उन्हें लिख के बताया था, रूल एंड रेगुलेशन क्या होने वाला है, तो इसकी वीडियो मैंने बना रखी है। इन सभी की वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसकी डेट यहां पे मेंशन है, आप देख सकते हो 28 अगस्त, यानी कि 28 अगस्त को आपका एग्जाम हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पे मेंशन है। अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं होती तो, अगर ये डेट एक्सटेंड हो जाती है तब तो अलग बात है, मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी, अभी तो आपका यही है 28 अगस्त। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ आ जाएगी, इन्होंने बोला रिजल्ट आ जाएगा आपका कब, 3 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से आपकी जो है फिलिंग होगी, यानी कि प्रेफरेंस फिलिंग होगी, जैसे आपको मैकेनिकल चाहिए तो ये सब आप फिल कर सकते हो, काउंसलिंग एक तरीके से बोल सकते हो, काउंसलिंग फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इनकी डेट दे रखी है इन्होंने, उसके बाद बोला कि राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा आपका, फिर इसी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी डेट दे रखी है इन्होंने, उसके बाद देखो राउंड 2 हमारा स्टार्ट हो जाएगा, राउंड 2 की भी डेट यहाँ पे मेंशन है दे रखा है इन्होंने, फिर उसके बाद वही चीज सारी चीज मेंशन है कि राउंड 1 राउंड 3 इस तरीके से आपके सारे राउंड होते रहेंगे। तो ये तो था, मैंने छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करी कि आपका कौन कौन सी डेट यहाँ पे मेंशन है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, लास्ट में आपका होता है स्पॉट राउंड, अगर कोई भी सीट बच जाती है तो आपका स्पॉट राउंड कराया जाता है और ये सबसे एंड में होता है। अब हम बात कर लेते हैं आपको अपनी आईडी को लॉगिन करके क्या क्या चीजें चेक करनी है, ध्यान से सुनिएगा मेरी सारी बातें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी आईडी को लॉगिन करना है, आईडी को लॉगिन करने के बाद हम आपको बताते हैं आपको कौन कौन सी चीजें को ध्यान रखना है। स्टूडेंट हमने अपनी आईडी को लॉगिन कर लिया है मेल और पासवर्ड डाल के, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मेंशन है देख सकते हो, यहाँ पे है आपका माई एप्लीकेशन, उसके बाद है प्रीव्यू फॉर्म, उसके बाद है मैक पेमेंट। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाना है प्रीव्यू फॉर्म पे, प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक कर लीजिए, प्रीव्यू फॉर्म पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिएगा मेरी सारी बातें। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है आपका माई एप्लीकेशन आईडी, ये है आपकी, कोर्स नेम आपका ये है, एक बार चेक कर लेना,
लेना फुल टाइम और पार्ट टाइम में। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए भरना चाहते हो तो सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, तो आपको ध्यान रखना 10th बेस के लिए तो आपको ये करना होगा फुल टाइम एंड पार्ट टाइम कोर्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशन स्टेटस में आपका पेड आना चाहिए और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी पेमेंट आईडी में ये चीज लिखी होनी चाहिए, जो हमारे आईडी दे रखा है ना ये मेंशन होना चाहिए। अगर ये मेंशन नहीं है आप में तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी अभी पेमेंट हुई नहीं है, आपको दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पेमेंट आईडी में ये चीज शो होनी चाहिए आपकी और यहाँ पे पेड लिखा होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी में ये ऐसा नहीं है तो भाई उसको पेमेंट दोबारा करनी होगी, आज लास्ट डेट है सुन लीजिएगा, और इसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो इस चीजों को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पीछे की तरफ जाना है। पीछे की तरफ जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट का ऑप्शन। अगर मैं पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या चीज मेंशन होता है ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या बोल रखा है, यहाँ पे पढ़िए क्या बोला है, इन केस यू हैव ऑलरेडी ट्राइड टू मेक पेमेंट, तो आपको क्या करना है, जो चीज मैंने बताई ना अभी, आपको पीछे जाना है। देखो इन्होंने बोल भी रखा है पेमेंट वाले पे, पेमेंट वाले ऑप्शन पे इन्होंने ये बोल रखा है कि आपको बैक बटन पे जाइए। अगर आपने पहले से पेमेंट कर रखा है तो आप बैक बटन पे जाइए, यानी कि बैक करिए इसको। बैक करने के बाद मैंने आपको बताया था वहाँ पे माई एप्लीकेशन पे क्लिक करिए और वहां से आपको ये चेक करना है कि आपकी एप्लीकेशन आईडी दिख रही है या फिर नहीं। जैसे आप देख सकते हो पेमेंट आईडी आपको दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। अगर नहीं दिख रही है तो आपको पेमेंट दोबारा करनी पड़ेगी, ये चीज क्लियर हो गया। और आपको यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, सबका 00 ही है, ये सबका 00 ही नजर आ रहा है। तो बस मैंने आपको जो बताया वो चेक लगा लेना पेमेंट आईडी के लिए। उसके बाद एक और सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। जैसे मैं बताता हूँ, ये आपका माई एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बाद आपको कर लेना व्यू। देख सकते हो यहाँ से आपका क्या ऑप्शन आ रहा है व्यू का, तो मैं यहाँ से कर सकते हैं व्यू। जैसे आप इस पर व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, आपका एप्लीकेशन आईडी जो है इसको आपको प्रिंट कर लेना है। जैसे यहाँ पे हमारा ऑप्शन है प्रिंट का, तो आपको इसको प्रिंट करके रख लेना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आप प्रिंट कर लोगे क्योंकि आगे ये काम आएगा, राइट। अब इतनी चीज अब मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब देखो, अब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जितनी चीजें मैंने बताई आज चेक कर लो, क्योंकि आज लास्ट डेट हो चुकी है, कल आपका एडिट करने की डेट आ जाएगी। अब मैं आपको दो तीन चीजें और क्लियर करना चाहता हूं। अब जो भी स्टूडेंट ये बोले थे भैया मॉक टेस्ट हमारा कैसा होगा, तो मैं जल्दी इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आपका। मॉक टेस्ट के बाद ये था आपका कि भैया हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, अब तो बहुत कम दिन बचे हुए, तो मैंने आप सबके लिए वीडियोस बना रखी, लगातार कंटिन्यू वीडियो देखो, हो जाएगा कंप्लीट, इतना भी हार्ड नहीं है। और बाकी कुछ चीजें आपको खुद से भी करनी पड़ेगी। अब सारे स्टूडेंट ये बोले थे भैया हमें कट ऑफ वगैरह के बारे में बताइए, हमें कितनी कट ऑफ यानी कि हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे एंट्रेंस एग्जाम में कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल जाए, तो देखो मैं इसके ऊपर तुरंत आपके लिए वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, जितनी भी चीजें आपकी, ठीक है। तो मैं आपसे फाइनली यही कहना चाहता हूं कि जितनी भी आप सब रिक्वेस्ट कर लेते हैं वीडियोस के लिए, इनकी वीडियोस जल्दी आने वाली है। और आपको पता है कि हमने मैथ्स का सिलेबस आपका पूरा खत्म करने वाले हैं, बस दो तीन चैप्टर और बचे हुए, मुश्किल से एक दो चैप्टर बचे हुए, ठीक है। एंड देन आपका एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, और हमारा साइंस में जो फिजिक्स था उसको भी हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए, दो चैप्टर और बचे हुए, तो मैं आप सबको कंप्लीट करा दूंगा। बाकी आपको केमिस्ट्री बायो ये सब आपको खुद से पड़ेगा, इंग्लिश को भी आपको खुद से करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखी है इंग्लिश वगैरह के लिए कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कहां से पढ़ना है, ये सारी चीजें। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।